सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रंका पश्चिमी वन क्षेत्र के बिलवा दामर पीएफ से शुक्रवार के अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर वन कर्मियों ने सखुआ का 22 बोटा लकड़ी माफियाओं के द्वारा स्टोर कर ले जाने के फिराक के दौरान जब्त कर लिया। बाद में सखुआ के बोटा को रंका पश्चिमी वन क्षेत्र कार्यालय लाकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। जब सखुआ के बोटा का कीमत लगभग 1,00,000 रुपया बताया जा रहा है। इस बाबत रंका पश्चिमी वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद कुमार झा ने कहा कि वन प्रमंडल पदाधिकारी को बेलवा दामर पीएफ में सखुआ का 22 बोटा लकड़ी माफियाओं के द्वारा स्टोर कर शुक्रवार को अहले सुबह ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके आलोक में तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने वन कर्मियों को तत्काल छापामारी कर लकड़ी जब्त करने का निर्देश दिया। बेलवा दामर पीएफ से गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि सखुआ का लकड़ी जो है अज्ञात अपराधियों के द्वारा काटा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के आदेश पर हम लोग उपरोक्त स्थान पर गए और लकड़ी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों की खोज की जा रही है, जैसे ही अपराधी का पता चलेगा हम लोग उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लकड़ी की लागत कितना होगी सर? ये लगभग 1,00,000। अच्छा, कितने पीस बोटा? 22 पीस है।